तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणमेऽस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सुधर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शांति शांति शांतिः। यद्वाचा नभ्युदितं येन वागभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। चतुर्थ मंत्र में श्रुति माता ने ब्रह्म किसको कहते हैं इसका उल्लेख किया, उसकी घोषणा की। भाष्यकार ने इस मंत्र की भूमिका में, पृष्ठभूमि में कुछ पंक्तियां लिखी, उसको हम पढ़ लेते हैं फिर से। पहली पंक्ति से पढ़ेंगे। अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति अनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते। पढ़ते समय भी जो है ना, थोड़ा समझने का हम प्रयत्न करें। आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते श्रोतुः आशंका जाताम् तत् कथं तु आत्मा ब्रह्म। आत्मा ही नाम अधिकृतः कर्मणि उपासने च। संसारी कर्म उपासनं वा साधनं अनुष्ठाय ब्रह्मादि देवान् स्वर्गं वा प्राप्तुम् इच्छति तत्तस्माद् अन्य उपास्यः विष्णु ईश्वरः इन्द्रश्च प्राणो वा ब्रह्म भवितुम अर्हति न तु आत्मा। लोक प्रत्यय विरोधात् यथा अन्ये तार्किका ईश्वरादन्य आत्मा इति आचक्षते तथा कर्मिणः अमुम यज अमुम यज इति अन्या एव देवा देवता उपासते। तस्मात् युक्तम यद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म भवेत। जब पिछले मंत्र में श्रुति ने यह प्रतिपादन किया कि आत्मा ही ब्रह्म है, तो इस पर शंका उत्पन्न हुई। श्रोतुः आशंका जाता। आशंका क्या है कि जब हम अपने को देखते हैं तो ये सत्य हम स्वीकार नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते कि मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा ही ब्रह्म है। एक सर्वसामान्य व्यक्ति की यही सोच है। इसलिए यहां पर उसने जो हेतु दिया है वो कहता है लोक प्रत्यय विरोधात्। लोक में, समाज में कोई भी आत्मा को ब्रह्म नहीं कहता।
तो बोले क्या समझ है स्वयं के बारे में? तो बोले मैं सुखी दुखी, मैं संसारी, कर्ता भोक्ता, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने वाला, मेरी तो यह स्थिति है। मैं ब्रह्म हूं ये तो कहीं से भी लगता नहीं, और बचपन से भी हम यही सुनते आ रहे हैं कि आप तो क्या हो, कर्म के फल के स्वरूप आपको एक ये परिवार मिला, जन्म मिला, आगे भी अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, यही सुनते आए हैं। मैं असंसारी, अमर, व्यापक, अनंत, नित्य, ये मैं हूं ये तो किसी ने कभी बताया नहीं। दोनों तरफ है, बताया भी नहीं और लगता भी नहीं। तो यह बिल्कुल जेन्युइन शंका है कि कथम तू आत्मा ब्रह्म हो। तो गुरु ने मानो भी पूछा आपका क्या मत है अपने बारे में? तो बोले मैं कर्म का अधिकारी हूं ये मानता हूं। कल हमने इस पर चर्चा की, सभी लोग ये मानते हैं कि भाई कर्म करने का अधिकार हमको है, जितना ज्यादा अच्छा कर्म करेंगे, ज्यादा करेंगे, उतनी उपलब्धियां अच्छी अच्छी मिलेगी, परिस्थितियां बेहतर होगी। और ये कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि अगले जन्म का भी निर्धारण करने वाला जो तत्व है वो कर्म ही है, जो नियामक है आगे कौन सी परिस्थिति मिलेगी। वर्तमान में तो देखते ही हैं हम, लेकिन ये कर्म आगे तक जाता है। वो कहते हैं कि ईश्वर क्षमा कर देता है लेकिन कर्म क्षमा नहीं करता, कर्म माफ नहीं करता। अवश्यमेव भोक्तव्यम्, तो कर्माधिकारी हूं मैं, और मैं आस्तिक हूं तो फिर मैं उपासक भी हूं। तो ये तो हमारी स्वयं की अपने बारे में क्या है, धारणा है। तो यहां पे वो स्पष्ट कहता है, उसने देखिए अंतिम वाक्य जो हमने पढ़ा, तस्माद् युक्तम यद विदितम उपास्यम तद् ब्रह्म भवे। ब्रह्म बनने की यदि योग्यता किसी में है तो मेरे अलावा आप जिसको बनाना चाहे बना दीजिए, विष्णु, इंद्र, प्राण, ईश्वर, उन सबको ब्रह्म कह सकते हैं। ब्रह्म भवितुम अर्हति, लेकिन न तो अहम, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं अपने आप को ब्रह्म कहूं। एक व्यक्ति ने जब सुना कि वेदांती लोग कहते हैं आप ब्रह्म हो, आप व्यापक हो, अनंत हो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने आप को बड़ा तो मानता था लेकिन इतना बड़ा नहीं मानता। Yes, I am great, but so great, इतना महान। मराठी में एक शब्द है महान का उल्टा लहान, मैं लहान मतलब छोटा, लेकिन श्रुति क्या कहती है, आप वो महत ब्रह्म हो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये एकदम स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है, जैसे किसी गरीब व्यक्ति को एकदम करोड़ों रुपए मिल जाए तो उसकी आंखें फटी रह जाती, बोले क्या ये मुझको, कोई भिखारी उसको यदि एकदम इतना बड़ा मिल जाए तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता, और कहता है मैं सपना देख रहा हूं कि क्या है, सच में ये मेरे हैं इतने पैसे। बिल्कुल ऐसा ही, मैं अपना सुखी दुखी छोटा सा
कीट की तरह अनंत। हाँ, यहाँ पे प्राणी है उसमें से एक मैं भी हूं छोटा सा। हाउ केन आई बी ब्रह्मन। श्रुति तो हमको इतना ऊंचा उठाना चाहती है, उठाना कि हम वैसे है ही, लेकिन अनंत जन्मों की वासना, अज्ञान, बहुत सारे तत्व है, फैक्टर है, जो हमको ये स्वीकार करने में क्या बनते हैं, बाधा बनते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई सामान्य व्यक्ति की बात। अब मजेदार बात यहां पर ये है कि यथा अन्य तार्किका उपासक कर्मिण, इन लोगों ने भी यही स्वीकार किया है कि ब्रह्म आपसे इतर है। अब यहां जो है बड़े बड़े दार्शनिकों का नाम ले लिया आचार्य ने, भाष्यकार तार्किक है, कर्मी है, उपासक है, मुख्य रूप से तीन। इसलिए आनंद गिरी जी महाराज ने भी, आप यदि पिछले पृष्ठ पर जाएं, 34 पृष्ठ पर आपके पास यदि आनंद गिरी जी की व्याख्या हो, टीका हो, तो उसमें वो लिखते हैं, उक्त वाक्य अर्थ है लौकिका तार्किका मीमांसक प्रतिपत्ति विरोधम आशंक्य परिहरि हरति। तीन लोगों के नाम लिए, लौकिक, तार्किक, मीमांसक, और चलो इसमें उपासक भी डाल दीजिए। तो इन सब लोगों का मत जो यहां प्रतिपत्ति दी है, ये मतलब यहां जो मत दिया है कि तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसके विरोध में या उससे अलग है। लोक का तो अभी मैंने बताया, लौकिक का मतलब लोक, सामान्य व्यक्ति। फिर यहां पर अभी आप देखें तो जितने उपासक हुए हैं वो लोग भी ब्रह्म को नहीं कहते कि वो ब्रह्म ही मैं हूं। अब देखो, जैसे उपासक में यदि आप दर्शन की बात करें, दर्शन शास्त्र के अनुसार, तो अनेक ऐसे दर्शन हैं, हाँ, जिसमें शब्द अद्वैत लगा हुआ है। क्या शब्द अद्वैत लगा हुआ है, लेकिन वो द्वैत के समर्थक है। ऐसा लगता है प्राचीन काल में अद्वैत दर्शन ही था, क्योंकि जिन्होंने द्वैत को भी स्वीकार किया उन्होंने अद्वैत शब्द को छोड़ा नहीं। जैसे रामानुजाचार्य जी हुए, उन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन दिया, भक्ति दर्शन ही है विशिष्टाद्वैत, तो देखो उसमें अद्वैत लगा हुआ है। निंबार्काचार्य जी ने जो चिंतन दिया उन्होंने कहा द्वैता द्वैत, अद्वैत उसमें भी लगा हुआ है। श्री वल्लभाचार्य जी, उन्होंने शब्द दिया शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैत या ब्रह्माद्वैत, ऐसा उनके दर्शन का नाम। तो देखो सब में अद्वैत लगा हुआ है, लेकिन ये सभी आचार्य उपासना की श्रेणी में है। उपासना को जिन्होंने मुख्य स्थान दिया, भक्ति, प्रेम, उपासना, इसी को स्वीकार किया। और फिर उसमें तो उपास्य जो है निश्चित ही हमसे इतर होगा, तो इतर ही उन्होंने माना। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, बोले सब बड़े बड़े आचार्य, इनको अद्वैत का ज्ञान था। देखो गुरुदेव की व्याख्या है, अद्वैत दर्शन में वो स्थित थे, लेकिन सामान्य व्यक्ति को अद्वैत समझने में थोड़ी कठिनाई आती है, क्योंकि उसके लिए काफी शुद्धि चाहिए मन की,
बुद्धि सूक्ष्म चाहिए, शुद्ध चाहिए। तो जो अधिकारी थे ना, वो अधिकारी उतने योग्य नहीं थे। तो समाज को देखते हुए गुरुदेव की व्याख्या, रामानुजाचार्य जी या निम्बार्काचार्य जी या मध्वाचार्य जी ने ये द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। ये सब द्वैत के ही भेद हैं, छोटे छोटे। रामानुजाचार्य जी ने कहा विशिष्टाद्वैत, ब्रह्म का ही अंश है कौन, ये आत्मा, ब्रह्म का ही परिणाम है। लेकिन उन्होंने पूरा परिणाम नहीं माना, अर्ध परिणाम माना। परिणामवाद के विशिष्टाद्वैत, अंश अंशी संबंध। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि पूरा जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म का परिणाम है, आधा अधूरा नहीं, पूरा जगत ब्रह्म का परिणाम है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म यदि सत्य है तो जगत भी सत्य है। इसलिए सृष्टिर मधुरा, बोले सृष्टि भी मधुर है। यदि कृष्ण मधुर है तो कृष्ण का ही परिणाम क्या है, ये ब्रह्म जगत है, तो वो भी क्या है, मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अखिलम मधुरम। उन्होंने मायावाद का निराश किया, तो ये माया कहां से लेके आ गए। अच्छा, मजेदार बात है, आपको ये मैं सावधान कर देता हूं, ये जो अलग अलग मत है ना, जब इनको हम पढ़ते हैं तो सारे मत ही हमको ठीक लगते हैं। जो दर्शन जो है ना, अलग अलग ये दर्शन कहते हैं, अभी देखेंगे। तो जो भी दर्शन पढ़ते बोले हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही तो है। इसलिए ये दर्शनों को किसी के मार्गदर्शन में पढ़ना चाहिए, दर्शन के लिए मार्गदर्शन चाहिए। नहीं तो ये दर्शन मतलब एक विचारों का जंगल है, उसमें भटक जाते हैं। जिस मत को पढ़ते हैं लगता हाँ यही सही है। अब चूंकि यहां पे ये भाष्यकार ने उल्लेख कर दिया, इसलिए हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो चर्चा की जरूरत थी नहीं। तो उपासकों का देखो ये कहना है, त्रैत है, त्रैत, किसी ने त्रैत कहा, किसी ने द्वैत कहा। ईश्वर है, फिर उससे अलग मैं जीव हूं, उससे अलग क्या है, जगत है। किसी ने त्रैत नहीं द्वैत ही कहा, बोले जगत भी ईश्वर ही है। अभी जैसे मैंने कहा जगत भी क्या है, ईश्वर का ही रूप है। तो आप और ईश्वर, आप और हाँ ईश्वर, क्योंकि जगत इज इक्वल टू ईश्वर। तो जगत की उपासना, ब्रह्म की उपासना, उपास्य हो गया क्या ईश्वर, जो कि आपसे अन्य है। तो ये हो गई उपासक की बात। फिर जैसे यहां पे लिखते हैं कर्मिण, जो कर्मी लोग हैं, अब ये कर्म मीमांसा दर्शन, कर्म मीमांसा दर्शन क्या कहता है कि आप कर्ता हो, आप ब्रह्म नहीं हो, कर्ता हो। और एक कर्म मीमांसक जैसे यहां पे भाष्यकार ने संकेत किया, अनेक देवताओं को मानते हैं, और अमुम यज अमुम यज। एक आपको थोड़ी और बात बता दें, कर्म मीमांसक जो है ना, अनेक देवताओं को तो मानते हैं लेकिन एक ईश्वर को नहीं मानते हैं। ध्यान से सुनना है, सब बारीकियां हैं दर्शन। कर्म मीमांसक इंद्र आदि देवताओं की सत्ता मानते हैं, और यज्ञ आदि से वो एक एक देवता प्रसन्न होती है और आप पर कृपा करती है, सारे देवता, लेकिन एक ईश्वर नहीं।
तो यहां पर प्रतिपादन क्या हो रहा है, श्रोता क्या कह रहा है कि बोले हम करता है अलग अलग यज्ञ आगादि करेंगे और स्वर्ग आदि को प्राप्त करेंगे, हमारी तो यही क्या है वास्तविकता है। तो ये कर्मी का मत हो गया। कर्म मीमांसा देखिए जैमिनी सूत्र है जिसमें कर्म मीमांसा बताई गई है, जैमिनी ने सूत्र लिखे कर्म, और स्वामी दयानंद जी हुए आर्य समाज के, उन्होंने भी कर्म मीमांसा को स्वीकार किया और उन्होंने उसमें ईश्वर को भी जोड़ा। उन्होंने कहा केवल देवता ही नहीं, एक सार्वभौम ईश्वर है। एक उन्होंने ग्रंथ लिखा ऋग्वेद भाष्य भूमि, तो उसमें वो लिखते हैं कि एक ईश्वर है ऋग्वेद के ऊपर, एक पूरे ऋग्वेद पर तो नहीं, प्रस्तावना लिखी और उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई देवता नहीं एक ईश्वर है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का, उसमें वो लिखते हैं कि ईश्वर की कृति ये जगत है, ईश्वर का कोई एक आकार नहीं है, निराकारवादी है। तो कर्म मीमांसा में ईश्वर डाल दीजिए तो वो दयानंद जी का क्या सिद्धांत हो जाएगा, तो वो भी है तो आखिर द्वैत ही, आप अलग हो ईश्वर से। अच्छा भगवान भाष्यकार के भाष्य को देखें तो कई बार उसमें ये पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा को ही कहते हैं पूर्व मीमांसा, उनके मत को लेके उनसे शास्त्रार्थ किया हुआ दिखता है। अब जो मंडन मिश्र थे वो भी मीमांसक ही थे, उनसे शास्त्रार्थ हुआ, फिर वही सुरेश्वराचार्य जी बने। जब उनको लगा कि हमारे मत में थोड़ी सी कमी है, दोष है, तब वो सुरेश्वराचार्य जी बने। प्रसिद्ध कथा है, कथा क्या है वो इतिहास है। तो यहां भाष्यकार ने संकेत कर दिया उनका कर्मिण, कर्मी लोग, वो भी आत्मा को ब्रह्म नहीं करता ही मानते। ये मीमांसा में भी फिर दो प्रकार के मत हो जाते हैं, आपको जानकारी के लिए हम बोल रहे हैं। एक भाट्ट मत, जो कुमारिल भट्ट के जो अनुयायी हुए उनको कहते हैं भाट्ट मीमांसा के ही, कर्म मीमांसा के ही ये आचार्य है। और एक प्रभाकर हुए, प्रभाकर उनके मत को मानने वाले जो है उनको प्राभाकर कहते हैं। तो ये कर्म मीमांसा के आचार्य हुए, ये कर्म मीमांसा दर्शन में मत है अलग अलग। लेकिन यहां मूल बात क्या चल रही है कि आत्मा करता है, ये उनका कहना है। फिर जो तार्किक लोग हैं, तार्किक ये तीसरे, पहले हमने बताया उपासक, रामानुजाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, मध्वाचार्य जी, ये सब आ गए, ये बड़े बड़े आचार्य हैं और इन्हें समाज का बड़ा कल्याण किया है। आज समाज में आप देखते हैं पुष्टि मार्ग है ना वल्लभाचार्य जी, उनके कारण भक्ति है, तो सबका योगदान है। यज्ञ आगादी हो रहे हैं, यदि हम अपने आप को कर्ता न माने तो क्यों हम यज्ञ करेंगे। यदि हम स्वर्ग आदि अन्य लोक को स्वीकार ही न करें तो क्यों यज्ञ आगादी करेंगे। चलो कुछ अच्छा काम तो हो रहा है यदि ये मान्यता है। तो रावण जो है उसने इस यज्ञ संस्था पर ही तो आघात किया था, बोले इससे देवता लोग बड़े बलवान होते हैं, इनको आप घी पिलाते हो, आहुति देते हो और उनकी शक्ति बढ़ती है और फिर हमको परेशान करते हैं, बोले इनके इनके सोर्स को ही मिटा दो। जैसे युद्ध होता है तो वो सैनिक लोग बॉर्डर पर लड़ते हैं लेकिन कुछ लोग पीछे से उनको रसद पहुंचाते हैं,
खाना पीना इत्यादि, वो यदि चेन ही ब्रेक कर दी जाए तो बेचारे सैनिक भूखे। ऐसे ये देवताओं को भूखा करना है तो क्या करो, यज्ञ अगादि को खत्म। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं रामायण में, विश्वामित्र जी को आना पड़ा दशरथ जी के पास, बोले आप हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ये मारी सुबाहु और त्रिशिरा और कौन ताड़का और ये सब। तो समाज में धर्म की स्थापना के लिए यज्ञ आगादि जरूरत है, उपासना की आवश्यकता है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो अद्वैत और इसमें थोड़ा भेद हो जाता है। यहां भाष्यकार उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो कोई उपासक है, कोई कर्मी है, कोई तार्किक है। तार्किक मतलब न्याय दर्शन, न्याय शास्त्र। न्याय मतलब जो समाज में न्याय शब्द जिस अर्थ में प्रयोग किया था वो नहीं, जस्टिस या कोर्ट, दैट इज नॉट द न्याय। न्याय शास्त्र तर्क शास्त्र, और इन्होंने तर्क की इसमें खूब प्रधानता है। और कुछ भी वो सिद्धांत बोलते हैं तो उसके पीछे धुआंधार तर्क देते हैं, रीजनिंग लॉजिक। तो उन्होंने भी कहा कि आत्मा अलग है, जगत अलग है, ईश्वर अलग है। न्याय दर्शन भी आस्तिक दर्शन है, तर्क की सहायता लेता है लेकिन आस्तिक दर्शन, ईश्वर की एक सत्ता अलग मानता है। तो इस तरह यहां पे लौकिकाः, तार्किकाः, कर्मिणः, उपासक हो, ये समाज में अलग अलग क्या है, मत है। और ध्यान रखना ये मत हमेशा बने रहेंगे, प्राचीन काल में भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति की खोपड़ी जो है ना, बुद्धि एक जैसी नहीं। तो ये सारे दर्शन रहेंगे, इसलिए भाष्यकार के समय भी थे, आज भी। आज भी देखिए यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र एक पूरा क्या है, एक विषय है, एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये दर्शनों को पढ़ने के लिए, इसको पढ़ना नहीं सुन के ही समझ में आते हैं। अब हमारे पूज्य स्वामी सुबोधानंद जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, भारतीय दर्शन, विस्तार से उन्होंने इन सब दर्शनों की चर्चा की। लेकिन आप यदि खुद पढ़ेंगे तो पढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि टेक्निकल शब्द है, जटिलता है उसमें, थोड़ी क्लिष्टता होती है दर्शन को पढ़ने में। इसलिए जब तक कोई समझाए नहीं, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, अर्थ का अनर्थ हो जाए, समझाया कुछ जा रहा है, कुछ और अर्थ हम ले लेंगे। तो ये अलग अलग जो दार्शनिक लोग हैं, इन लोगों का मत यहां पर वो श्रोता के माध्यम से, शिष्य के माध्यम से भाष्यकार ने रख दिया कि आत्मा ब्रह्म नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग ये कह रहे हैं। देखो कई बार समाज में हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, बोले क्यों, बोले बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्या बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। उस मेजॉरिटी के दबाव में हमको एक मत स्वीकार करना पड़ता है। राजनीति में बहुमत का बड़ा महत्व है, 4 जून को समझ में आएगा। अभी तो अविदित है, सब विदित हो जाएगा 4 दिन, किसका बहुमत है, जनता किसके साथ में है। तो समाज में ऐसी कई मान्यताएं हैं जिसको हम लोग स्वीकार किए हुए, क्यों, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं। तो इतने
मतलब सामान्य लोग तो कह रहे हैं, अनेक दार्शनिक लोग, बड़े बड़े आचार्यों के नाम आप ले रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि भाई आत्मा तो ब्रह्म नहीं हो सकता, तो फिर मैं तो यही स्वीकार करता हूं। बहुमत बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन याद रखना बहुमत सत्य का प्रमाण नहीं होता, ये गांठ बांध के रखें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसलिए सच, ये कोई सिद्धांत है नहीं, ये गलत सिद्ध हो जाता है। अब किसी ने तो कह दिया ना, मेजॉरिटी कंसिस्ट ऑफ फूल्स, ले हो। वो आपने उल्लू की और हंस की कहानी पढ़ी होगी, हमने एक उपनिषद की कथाएं करके एक YouTube पे डाला था, शायद उसमें वो कहानी हमने बताई थी, आई एम नॉट श्योर बट शायद। तो उसमें है कि एक पेड़ पे एक हंस बैठा है, बहुत सारे उल्लू जो है वो भी वहां बैठे। अब हंस ने सहज ऐसा एक वाक्य बोला कि देखो आज सूर्य क्या चमक रहा है, कितना बढ़िया उसमें प्रकाश निकल रहा है। अब ये उल्लू जो है आप जानते हैं वो तो रात में देखते हैं, दिन में उनको कुछ दिखाई नहीं देता। अब वो उल्लू जो है वो हंस की हंसी उड़ाने लगे, हंस को कहने लगे अरे तुम तो उल्लू हो, उल्लू हो तो मूड हो, ये सूर्य और कुछ होता नहीं, कहां किसकी बात कर रहे हैं, इसमें किरण है और प्रकाश है और तेज है, ये तुम्हारा कुछ भ्रम है। अब हंस ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि नहीं नहीं गगन में आकाश में भगवान ने एक चीज बनाई है जिसके द्वारा प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो मानने को ही तैयार नहीं, बहस करने लगे। वो हंस वहां से उड़ गया, बोले इनसे बहस करने में कोई फायदा नहीं है। अब ये कथा है, क्या कहती है, अरे हजारों लोग कह रहे हैं, तो हजारों लोग कहने से बात नहीं बनती, विचार की कसौटी पर वो खरा उतरता है। ये अब 99% लोग कहते हैं कि भाई जगत में ही सुख है, पैसे में सुख है, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए तो पूरी दुनिया धन के पीछे पागल है। कोई बेचारा है जो कहेगा मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, ऐसे कबीर कितने हो गए, ऐसे कहने वाले कितने लोग। तो इसलिए यहां पर अच्छा देखिए, दर्शन की चर्चा चल पड़ी है तो आपको एक बात बताएं, ये दर्शन मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसको फिलोसॉफी शब्द दिया है, पाश्चात्य लोग इसको क्या कहते हैं फिलोसॉफी, और फिलोसॉफी का ग्रीक मतलब उसका डेरिवेशन है, ग्रीक उसका रूट है फिलिनसोफिया, ऐसा वो बनता है, सोफिया मतलब विजडम ज्ञान, फिलिन का मतलब होता है प्रेम। तो फिलॉसॉफी का अर्थ उन लोगों ने किया ज्ञान के प्रति प्रेम, ध्यान से सुनना थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। पाश्चात्य लोग वेस्टर्न लोगों ने जो शब्द गढ़ा है वो क्या है फिलॉसॉफी, जिनको ज्ञान के प्रति प्रेम है ऐसे लोग कौन हुए, फिलॉसॉफर दार्शनिक, सॉक्रेटिस इत्यादि, एरिस्टोटल वगैरह सब हुए। तो इनकी रुचि का ज्ञान में चिंतन में, ज्ञान के प्रेमी, लेकिन ध्यान रखना अपने यहां पर फिलॉसॉफी का अर्थ ये नहीं है। दर्शन जिसको बोलते हैं, दर्शन
मतलब देखना, दर्शन मतलब देखना। किसको देखना? अपने को देखना, जगत को देखना, जीवन को देखना। दृश्य धातु से दर्शन बना है और वहां पर अपने यहां पर दर्शन का जन्म ज्ञान से प्रेम के कारण नहीं हुआ है, बल्कि दुख की निवृत्ति कैसे हो इसकी खोज में ये दर्शन है। दर्शन का एक प्रयोजन है, ध्यान रखना। व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो दुख से कैसे निवृत्त, दुख को कैसे हम हटाए, उसके लिए जो चिंतन किया गया है उसको कहते हैं दर्शन शास्त्र, दर्शन। इसलिए चार्वाक से लेकर अद्वैत तक जितने नव दर्शन बताए जाते हैं, ये सब के सब एक ही काम के लिए प्रयत्न करते हैं। वो क्या? कि व्यक्ति की दुख से निवृत्ति कैसे हो। देखो, चार्वाक लोगों की हम निंदा करते हैं, लेकिन चार्वाक भी इसीलिए बना है। वो कहता है आप भाई, आपको सुख चाहिए ना, खाओ पियो। सबका अपना चिंतन है। इंसान दुखी है, परेशान है, उपाय ढूंढ रहा है, तो ये उपाय ही दर्शन है। अब जिसने जितना देखा, जैसा देखा वैसा वैसा लिख दिया, तो ये इतने दर्शन बन गए। तो दर्शन मतलब केवल कुतूहल नहीं है। हमारे स्वामी जी हमेशा कहते रहे, पाश्चात्य दर्शन क्या है? कुतूहल का परिणाम है। लेकिन यहां पर कुतूहल मतलब उत्सुकता, जरा देखें क्या है। जगत क्या है जरा देखें। तो उन्होंने बस विचार किया, लेकिन यहां पर कहा नहीं, विचार का प्रयोजन है। इसलिए सारे दर्शन मोक्ष के लिए प्रवृत्त हुए हैं। अब सबकी मोक्ष की धारणा अलग है, उनके उपाय अलग है, साधनाएं अलग है। और आपको पता है, नव के नव दर्शन काम के हैं, उपयोगी है। इसलिए मैंने कहा समाज में आज भी वो जीवित है और जीवित रहे। अब आप दुकान पे जाते हो तो अलग अलग कीमतों की कपड़े हैं, क्यों? एक ही तरह के कपड़े रख दिए जाए एक ही कीमत के, तो सब लोग तो लाभ नहीं ले सकते। तो हर व्यक्ति की बुद्धि का इवोल्यूशन अलग अलग है, तो उनके लिए एक 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 दर्शन क्या होता है, काम में आता है। तो इसलिए ये जरा याद रखना चाहिए। अच्छा, ये जो दर्शन है, जैसे यहां जितने भी उदाहरण दिए, कर्मी, तार्किक इत्यादि, इसको कहा गया है कि ये दर्शन शास्त्र है। ध्यान से सुनना, दर्शन इज ए शास्त्र, और शास्त्र का भी एक विशिष्ट अर्थ होता है। किसी भी किताब को शास्त्र नहीं कहते। शास्त्र मतलब एक प्रयोजन को सामने रखकर जब आप संपूर्ण विषय की चर्चा करते हैं तो उससे जो पुस्तक बनती है उसको कहते हैं शास्त्र। शास्त्र का एक प्रयोजन होता है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसे शास्त्र की परिभाषा दी है कि एक प्रयोजन से निबद्ध है। देखो पढ़ते हैं, इसमें आपके पुस्तक में नहीं है, अलग से है। एक प्रयोजन निबद्ध अशेषार्थ प्रतिपादकम, यह हम अपने ग्रुप में डाल देंगे। एक प्रयोजन को लेकर प्रयोजन निबद्ध, प्रयोजन से बंधे हुए हैं, और अशेषार्थ प्रतिपादकम। अशेषार्थ मतलब, अशेष मतलब जितने भी विषय उसमें बताने
बताने की जरूरत है, वो सारे विषय जिसमें बताए जाते हैं उसको कहते हैं शास्त्र। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, संगीत शास्त्र। संगीत शास्त्र मतलब क्या है? संगीत से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं, स्वर ताल लय राग रागिनी सब, इसका जिसमें वर्णन है उसको क्या बोलेंगे? शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र, तो ग्रह नक्षत्र इत्यादि की गतियां, उनके प्रभाव, उनका जीवन में परिणाम फल, ये सब जिसमें बताया है वो क्या है? ज्योतिष शास्त्र। और शास्त्र का अर्थ होता है कि जिसमें शासन किया जाता है, इसलिए लिखते हैं हित शासकम। दूसरी परिभाषा क्या है? हित शासकम। थोड़ी सी दूसरी चर्चा कर रहे हैं लेकिन अब चलो कर लेते हैं इसको। हित शासकम, हित शासकम मतलब शास्त्र जो है हमको आदेश देता है ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? मुक्ति, आपको दुख से छुड़ाने के लिए वो शासन करता है। हित शासकम। शासनात् त्रायते इति शास्त्रम्, जिसके शासन में रहने से हमारा रक्षण होता है। अब जैसे अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण जिसमें बताया गया है वो भी क्या करता है? शासन करता है, उसको भी शास्त्र कहा है अष्टाध्यायी। क्यों? शब्दानुशासनम, शब्द का उसमें अनुशासन बताया है कि आप शब्दों को इस तरह से बोलिए, इस तरह से बोलने में ही वो भाषा सही भाषा कहलाई जाएगी, सही अर्थ सामने वाले के हृदय में स्थापित होंगे। नहीं बोले शब्द है, हम चाहे जैसे अपनी मर्जी है बोलेंगे, होता है ना कई बार, अब बुरा मत मानिए लेकिन कई बार किसी शहर में बम्बईया भाषा बोल देते, उसमें कोई व्याकरण इत्यादि होता नहीं, करने को मांगता है। अब ये मांगता है कहां से आ गया? मैं करने को मांगता हूं ऐसा ही छे हो तो ऐसा ही, अब ये छ कहां से आ गया? व्याकरण की दृष्टि से उससे बस काम चल जाता है, व्यवहार चल जाता है, आप अपने भाव को व्यक्त कर देते हैं, बट वो शास्त्रीय तो नहीं है। तो शब्दानुशासनम, उदाहरण में दे रहा हूं कि अलग अलग शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, फिर क्या, ये जो स्थापत्य कला उसका भी एक शास्त्र है। तो ऐसे यहां पर अलग अलग ये दर्शन है, ये शास्त्र है। प्रयोजन निबद्ध, एक प्रयोजन है कि जीवन में आनंद कैसे आए, सब अपने अपने ढंग से बताते हैं। अब उसमें बारीकियां हैं सब, जैसे मैंने कहा ना, किसने अहिंसा को ही साधन बताया, बोले अहिंसा के कारण क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। किसी ने क्या कहा? बोले भगवान से प्रेम करो सुख मिलेगा। किसी ने क्या कहा? बोले तर्क से आप सब चीज समझिए तो आपको संतुष्टि मिलेगी, अतार्किक मत बनिए। हाँ, जो तार्किक लोग होते हैं उनको इसमें मजा आता है। तो ऐसा ये दर्शन शास्त्र है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है। यहां पे ये प्रयोजन नहीं कि आप अब दर्शन शास्त्र पढ़ने लग जाए लेकिन अब चूंकि यहां दो तीन ये शब्द आ गए हैं इसलिए बोलना जरूरी था। अच्छा, जैसे दर्शन शास्त्र होता है ऐसे ही आपने एक सुना होगा प्रकरण, प्रकरण ग्रंथ, चलो इसको भी बोल देते हैं। एक होते हैं शास्त्र, जैसे अभी हमने बताया, जिसमें एक प्रयोजन होता है और सारे विषयों का वर्णन उसमें होता है, उस विषय का जिसका आप चर्चा कर रहे हैं। प्रकरण किसको कहते हैं? तो प्रकरण की भी एक परिभाषा है,
शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चितः। शास्त्र का एक भेद है, ग्रंथ का एक भेद है, उसको देख प्रकरण। अब चिन्मय मिशन में तो प्रकरण ग्रंथ खूब पढ़ाए जाते हैं। प्रकरण मतलब प्राय लोग क्या बोल देते हैं, प्रवेशिका। बोले आपको यदि उपनिषद आदि पढ़ने हैं तो पहले प्रवेश करो, तत्व बोध आत्मबोध, इसको क्या बोल दिया, प्रवेशिका, एलिमेंट्री टेक्स्ट उसको बोल देते हैं, या उसको बोल देते हैं टॉपिकल टेक्स्ट। तो प्रकरण मतलब होता है शास्त्रैक देश संबद्धम, शास्त्र के एक देश से संबंधित सारे विषय जिसमें नहीं बताए जाते, थोड़ा सा बताया जाता, उसको कहते हैं प्रकरण। तो प्रकरण ग्रंथ जब आप पढ़ते हैं तो एक आधार तैयार होता है, आपको वो विषय की टर्मिनोलॉजी समझ में आती है, शब्दावली। जब आप तत्व बोध पढ़ते हैं तो उसमें सूक्ष्म शरीर क्या है, इंद्रिय क्या है, कर्मेंद्रिय क्या है, कारण शरीर क्या है, मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, ये सब बताया गया, ताकि आगे उन शब्दों का जब प्रयोग हो तो आपको अर्थ क्लियर हो, तो उसको कहते प्रकरण। तो दो हो गए, शास्त्र और प्रकरण। ये जो दर्शन है इनको शास्त्र कहते हैं, जिसमें जैसा लोगों ने चिंतन किया वैसे अपना मत दिया। और हमने शुरुआत की थी अद्वैत दर्शन था, इसलिए विशिष्टाद्वैत इत्यादि उन्होंने अद्वैत शब्द डाला। तो कुछ दर्शन कैसे हुए, जिन्होंने ईश्वर को माना, उपासना को प्रधानता दी, किसी ने कर्म को प्रधानता दी, किसी ने तर्क को प्रधानता दी, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, क्या, कि किसी ने आत्मा को ब्रह्म नहीं कहा, ये अद्वैत वेदांत नहीं कहा है। तो चलो फिर से हम इसी पॉइंट पे आ जाते हैं। तो तस्माद् युक्तम तद विदितम उपास्यम तद ब्रह्म। अच्छा, अब ये किसकी आशंका थी, एक शिष्य की आशंका थी। तो आगे भाष्यकार इसको लिखते हैं, इसको पढ़ के पूर्ण करते हैं। ततः अन्य उपासक इति, आप देखिए अपने भाष्य में, ताम एताम आशंकाम शिष्य लिंगेन उपलक्ष। आचार्य ने देखा, देखो बड़ा ड्रामेटिक नाटकीय वर्णन कर, सद्गुरु ने जब वर्णन किया कि आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म में अभेद है, एकत्व है, एक ही वस्तु के दो नाम है आत्मा और ब्रह्म, तो शिष्य की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, यहां पे लिखते हैं शिष्य लिंगेन, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसकी मुखचर्या, हाव भाव, उससे ऐसा लगा कि इसको ये स्वीकार नहीं हो पा रहा है। उपलक्ष्य, इसको ऐसा जान करके आचार्य ने ऐसा जाना, समझा कि इसको इसमें डाउट है। या फिर लिखते हैं शिष्य लिंगेन उपलक्ष्य तद वाक्यात आह, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि शिष्य ने बोल ही दिया कि महाराज ये आत्मा कैसे ब्रह्म होगा। तो दो ढंग है, एक तो शिष्य ने बोला नहीं लेकिन चेहरे से बता दिया, कई बार चेहरे से हम समझ जाते हैं, प्रवचन जब हम करते हैं ऑफलाइन तो चेहरे से समझ में आ जाता है, श्रोता लोग कह रहे हैं आप पूर्ण वदन कीजिए, शिष्य लिंगे ना बोलते नहीं, ये बोल तो सकते नहीं, सभा बैठी है कैसे बोले, लेकिन मुखचर्या से समझ में आता है। या फिर कई बार होता है ना, जो बड़े बड़े भाषण चलते रहते हैं तो बोल ही देते हैं लोग, चिट्ठी देते हैं, बोले बस महाराज पूर्ण कीजिए, एक मिनट दो मिनट, तो यहां पर भी लिखते हैं वाक्यात, मानो कि शिष्य ने बोल ही दिया कि महाराज आत्मा ब्रह्म ये नहीं नहीं समझ में आ रहा है। तो बोले जब ऐसा हुआ
तो मां एवं शंकिष्ठाः, आचार्य कहते हैं आप ऐसी शंका मत करो, हाँ ऐसा संशय मत रखो। बोले फिर आप इसका उत्तर दीजिए, इसको स्पष्ट कीजिए। तो बोले बस अगले 4, 5, 6, 7 मंत्रों में यही बार 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 बताया है कि आत्मा ही ब्रह्म है। हालांकि दूसरे मंत्र में इस उपनिषद के बता दिया था स्रोत्रस्य स्रोत्रम मनसो मनोयत, और तीसरे मंत्र में भी बता दिया कि विदित और अविदित से अन्य जो प्रेरक है वही ब्रह्म है। अब उसी का विस्तार यहां कर देते हैं और कहते हैं ठीक है आपकी शंका है ना, अब इस शंका को निवृत्त करने के लिए ये मंत्र श्रुति माता स्वयं बोलती है, यद्वाचा अनभ्युदितम। ये देखो इतना बोलने के बाद अब भाष्यकार इस मंत्र के ऊपर भाष्य करते हैं, अब वो हम देखेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः, हरि ओम।